उत्तर प्रदेश के हाथरस में बच्ची के साथ हुई घटना के बाद इस मामले पर लगातार राजनीति हो रही है। हाथरस में राजनीतिक जमावड़े के बीच उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से बड़ा दावा किया गया है। यूपी सरकार का दावा है कि नागरिकता संशोधन एक्ट के विरोध में जिस प्रकार प्रदेश में जगह जगह हिंसा की गई थी, उसके तहत ही हाथरस के मामले के बाद प्रदेश में ऐसी परिस्थितियां पैदा करने की साजिश रची गई है। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया आदि का सहारा लिया जा रहा है। यूपी की सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि हाथरस के बहाने यूपी को जातीय दंगों की आग में जलाने की साजिश रची गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक फर्जी वेबसाइट रातोंरात बनाई गई और इसके जरिए जातीय दंगे कराने की साजिश रची गई। इन्हीं में से एक जस्टिस फॉर हाथरस नाम से वेबसाइट है, जो सरकार के सबसे पहले निशाने पर आई है। जब सरकार को इस बारे में भनक लगी तो कई वेबसाइट खुद ही रातों रात बंद हो गई। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों के पास इन सभी वेबसाइट के कंटेंट उपलब्ध हैं। खबर ये भी है कि सहायता के नाम पर हिंसा फैलाने के लिए फंडिंग का भी इंतजाम किया जा रहा था। बड़ी खबर ये है कि PFI, SDPI जैसे संगठन जो नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसा में शामिल थे, उन्हीं संगठनों ने यूपी में भी हिंसा फैलाने के लिए वेबसाइट तैयार कराने में अहम भूमिका निभाई। सरकार का दावा है कि इस तरह की वेबसाइट का मुख्य लक्ष्य CM, PM और सरकार के छवि को खराब करना है। वेबसाइट पर फर्जी आईडी से कई लोगों को जोड़ा गया, साथ ही इसमें दंगे कैसे करें और फिर दंगों के बारे में कैसे बचें, इसके कानूनी उपाय की जानकारी वेबसाइट पर दी गई है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा है कि सरकार इस तरह की खबरों के जरिए अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में कल हुई भीड़ के हंगामे को राज्य सरकार के खिलाफ षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा, वे लोग जाति और सांप्रदायिक हिंसा भड़काना चाहते हैं। और अब जाकर यूपी की सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा दावा सामने आया है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।